कुणाल, प्लीज कुछ कहो ना। देखो तुम ऐसे चुप बैठते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। देखो यीशु, देखो मुझे अब तुमसे कुछ नहीं कहना है। तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करो, खुश? कुणाल प्लीज ऐसे मत कहो। नो नो, आई एम सीरियस। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा करियर है और शादी भी तो तुम्हारी है। मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला कि ये करो ये मत करो। यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। और शादी का क्या है, शादी तो कभी भी हो सकती है। लेकिन तुम्हारा वो क्या है, दुनिया का सबसे लंबा पुल, वो थोड़ी ना बार बार बनता है। देखो यीशु, तुम एक बहुत अच्छी आर्किटेक्ट हो। तुम जर्मनी जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। सच में शादी का क्या है, 1.5 साल बाद देख लेंगे। कुणाल तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई मीन मैं शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ तुमसे करना चाहती हूँ। लेकिन तुम जानते हो ना कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या मायने रखता है। हाँ, और हमारे घर वालों ने ये जो शादी की तैयारियां कर रखी हैं उसकी टेंशन तुम मत लो। ये इनविटेशन कार्ड्स, ये हॉल की बुकिंग वगैरह सब आराम से कैंसिल हो जाएंगे, राइट? कुणाल, मैं कैंसिल करने की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ पोस्टपोन की बात कर रही हूँ। ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन तो नहीं पोस्टपोन हो सकता ना, लेकिन हम शादी एडजस्ट कर सकते हैं ना? एडजस्ट? शादी एडजस्ट नहीं होती है शीता, शादी के लिए बाकी के काम एडजस्ट करने पड़ते हैं। आई एम सॉरी कुणाल, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी कुणाल, प्लीज टेक माई कॉल, आई लव यू। यू नो वॉट, हमें अब शादी ही नहीं करनी चाहिए। क्या सचमुच? तुम 1.5 साल के लिए जर्मनी जाओ, दुनिया का सबसे लंबा पुल बनाओ, एंजॉय करो। कुणाल तुम कहो तो मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज इशिता, मैं कह रहा हूँ इसलिए कुछ मत करो। और जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ ना, तुमने अपना फैसला यहाँ आने से पहले ही कर लिया था। थैंक यू। कुणाल सुनो, कुणाल इशू, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। I'm sorry, कुणाल। प्लीज सुनो तो ऐसे गुस्सा मत करो। नहीं, अब जो तुम चाहोगी वही होगा। तुम जर्मनी जाओगी और हमारी शादी कैंसिल। कुणाल घबराना नहीं भाई, मैं बचा के तेरे को। घबराना नहीं, आँख खोल के रख, बात कर मेरे से, बात कर, आँख खुली रख, मैं बचा के तेरे को।
हाय, आप इनकी रिश्तेदार हैं? जी, मैं कुणाल की मंगेतर हूँ। ओके, कुणाल बहुत ही लकी है। अगर वो आदमी ने सही वक्त पर यहाँ लेकर नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर, वो आदमी कहाँ है? वो तो शायद चला गया, पर हाँ, उसने अपना टेलीफोन नंबर और एड्रेस छोड़ा है। आप रिसेप्शन से ले सकती हैं। मैंने वो नंबर ट्राई किया था, वो रॉन्ग नंबर है और शायद नाम और पता भी गलत ही होगा। आई एम सॉरी, फिर तो शायद वो एक ऐसा फरिश्ता है जो हर नेक काम पर्दे के पीछे ही रहकर करना पसंद करता है। सर, आखिर वो आदमी निकाल। नहीं माँ, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुणाल बेटा, अगर वो आदमी तुम्हें कहीं मिले तो उसका शुक्रिया अदा जरूर करना। हाँ माँ, मैं भी तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ ढूंढूँ उसे? पहले लगता था शायद पुलिस के डर से सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अब पता नहीं। फिर तो शायद वो खुद ही सामने नहीं आना चाहता। शायद। बेटा सुनो, कल रत्ना आंटी मिली थी, वो तुम्हारी और इशिता की शादी के बारे में पूछ रही थी। माँ, मैंने आपको कहा है ना कि मुझे अब शादी नहीं करनी है। लेकिन कुणाल, मेरी बात तो सुनो। मैं इशिता से... माँ प्लीज 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 माँ, माँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कुणाल मेरी बात। ओके बाय। मैं बचा के तेरे को मेरे से बात कर, आंख खोल के रख, मेरे से बात कर, आंख खोल के रख, मैं बचा के तेरे को, बात कर, बात कर, बात कर, आंख खोल के रख, आंख खोल के रख, आंख खोल के रख, आगे आगे दादी। हाँ। लिफ्ट बंद है। ओह माय गॉड, आप पहले माले पे रहती हैं ना? हाँ बेटा। लाइए, मैं मदद कर देता हूँ। सो नाइस ऑफ यू बेटा। लाइए। थैंक यू सो मच। ये वॉचमैन भी है ना, टाइम पे कहाँ गायब हो जाता है बिल्डिंग से। दादी, वो ऊपर के फ्लोर पे लिफ्ट रिपेयर करा रहा है। आज तुम नहीं होता तो मैं ये सब कैसे ले आती? आप कभी भी बुलाइएगा मुझे। यहाँ रख दो बेटा, मैं अंदर ले जाऊंगी। ओके। हाँ। ओके दादी।
If I'm not mistaken, you are Kunal, ना? जी. तुम्हारी और इशिता की शादी है ना? करेक्ट? दादी मैं जल्दी में हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ. कुणाल, I make very nice cold coffee. Come and have, no? दादी some other day. आज ऑफिस है इसलिए. ओके, बाय, टेक केयर. कुणाल? नो नो प्लीज इशिता, देखो गलत मत समझना. मैं वो सामने दादी रहती है ना, उन्हें छोड़ने आया था. ओह, ये निशान नहीं मिटा अभी तक? ये निशान अब कभी नहीं मिटेगा. कैसी हो? ठीक हूँ. मैं कैसा हूँ ये नहीं पूछोगी? कैसे हो कुणाल? पूछना कंपलसरी नहीं था इशिता. कुणाल प्लीज, इस सब से तुम्हें भी तकलीफ होती है और मुझे भी. सॉरी इशिता, बट मैं तुमसे. नहीं कुणाल, अब कुछ नहीं हो सकता. जो हो गया सो हो गया, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ. एंड आई थिंक यू शुड मूव ऑन टू. मूव ऑन? या, मूव ऑन. तो फाइनली तुम जा रही हो? कब? परसों. ओके, बाय. बाय. लिफ्ट बंद है. क्या सर, कब से आवाज दे रहा हूँ लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे. क्या चाहिए? मुझे नहीं पहचाना आपने. क्यों, तू शाहरुख खान है क्या तेरे को पहचाने का? नहीं नहीं, वो 3 महीने पहले आपने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था ना, वो एक्सीडेंट, मैं वो हाईवे पे. कुणाल. अच्छा 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 अच्छा, तू है क्या? कैसा है? ठीक है अभी? जी. अभी कैसे पहचानेगा, इतना टाइम हो गया ना. क्या कर रहे इधर? सर मैं सामने ही तो रहता हूँ, आपके पीछे पीछे आपको देखा तो. अरे काहे को बाबा. सर उस रात अपना पता और नंबर गलत छोड़ के गए थे ना, वो नाम भी गलत था. आपका नाम सतीश नहीं हो सकता, राइट? क्यों नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है ना. हाँ दैट इज राइट. पन है नहीं, अपुन का नाम रघु है. रघु? सर पिछले 3 महीनों से मैं दुआ करता आ रहा हूँ कि आप मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएं और मैं आपका शुक्रिया अदा कर पाऊँ. अब आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा सर, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है. नहीं बस वो मेरा काम है ना. प्लीज सर, कुछ जान थोड़ी देर के लिए सर. अभी हो गया ना बस सर. प्लीज आई जस्ट वांट टू थैंक यू विद 1 कप ऑफ टी. सर इतने महीनों बाद मिले हैं, पता नहीं मुलाकात होगी भी या नहीं. मुझे एक मौका दीजिए आपका शुक्रिया अदा करने का. प्लीज सर, प्लीज. सर शक्कर एक चम्मच या दो? दोन. ओके ये लीजिए. बस चलेगा. बिस्किट लीजिए ना. नहीं सर प्लीज लीजिए ना. ना आई एम सॉरी, यही वाले थे. अगर आपको क्रीम वाले चाहिए तो मैं अभी ले आता हूँ, ये नीचे ही तो दुकान है. 1 मिनट लगेगा. रुक रुक रुक, यही खाएगा मैं. ओके और लीजिए ना सर. नहीं नहीं. एक मिनट. हाँ बोल.
साले किधर था तू? तेरे को बोला था ना लफड़ा नहीं मांगता है? समझता नहीं तेरे को? बस बस कर अभी, अभी बोलना बंद। बस कर बोला ना तो बस कर, तेरा टॉक टाइम खत्म, मेरा चालू अभी। सत्तू, सत्तू है क्या उधर? दे उसको। हाँ सत्तू, ध्यान से सुन, अपना सारा माल उधर से निकाल और बोरीवली का जो जगह है उसमें डाल दे। बोरीवली पहुँच के फ़ोन मार मेरे को, समझा? सॉरी सॉरी, ये वर्कर ठेकेदार है अपन, वर्कर लोग है ना, बिना गाली के समझता नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं समझता हूँ, कंपनीज में होता है ऐसे, वर्कर्स को समझाने के लिए अलग से बात करना पड़ता है। और वैसे भी, अरे रोहित इधर आ। सर हाँ, ये रोहित है मेरा रूम पार्टनर, और रोहित ये है मिस्टर रघु, वो मैंने नहीं बताया था, 3 महीने पहले मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया था। ओए 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 ओए, हेलो सर, हेलो, माय सर रोहित सर, प्लेजर मीटिंग यू सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। मैं आपसे नाराज़ हूँ सर। हाँ क्यों भाई? सर भगवान ने आपको एक मौका दिया था पूरी इंसानियत को बचाने का, और आपने इसको बचाया। सर आपने तो बचा लिया, फंस मैं गया हूँ, अरे मुझे झेलना पड़ता है इसे और क्या। कहाँ रहते हैं सर? यहीं आसपास रहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उधर ये। रोहित हाँ यार, ऑडिशन पे नहीं जाना है क्या? लेट हो रहा हो। ओह यस यस सर, ऑडिशन के लिए जाना है। आई एम फ्रॉम मीडिया, आई एम एन एक्टर सर। सी यू, सी यू, दोबारा जाना है यार, अगली बार मौका मिले तो बचा। अरे बचा जाना है यार, बोलता रहता है। ओके टाटा बाय, बेस्ट ऑफ मी। ऐसा ही है सर, ये एक्टर है जी, स्ट्रगलिंग एक्टर है अभी। तो चलता है मैं अभी। हाँ नहीं सर, सर चाय पी के जाइए ना। नहीं 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 सर प्लीज, चाय पी के जाइए ना प्लीज। सर चाय तो पिया ही नहीं आपने, प्लीज। रघु सर थैंक यू, काय को? मेरी जान बचाने के लिए। अरे बस क्या सर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सीरियसली सर, ये निशान देख रहे हैं आप, ये मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ आप ही की वजह से। सर मैं जानता हूँ कि आपका एहसान चुकाना मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन अगर जिंदगी में कभी भी आपके लिए कुछ भी कर पाऊँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। ठीक है, पर मेरे को कुछ मांगता नहीं है। प्लीज़ सर ऐसा मत कहिए, अगर आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो नो प्रॉब्लम। नहीं देखो बस, मैं अभी, मेरे को कुछ नहीं मांगता है, आपने इधर बुलाया, चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, बस हो गया अभी, अभी जाने का। नहीं सर सर, ओके ओके ओके, मैं एक आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ। देख थैंक यू छोड़ के कुछ भी बोल, तू ये बहुत बार बोल चुका है, अभी मेरे को जाने का बस। अगर अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो बेझिझक मुझे बताइएगा, मेरे बस में जितना होगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। हो हो हो, बोलेगा मैं। और हाँ, ये मेरा कार्ड है, इस पर फ़ोन नंबर भी लिखा है, ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये ईमेल आईडी है मेरा, आप इस पर कभी भी मेल भी कर सकते हैं। और अब आपको मेरा घर तो पता ही है। तो क्या अभी बोले तो दोस्त है क्या अपन? दोस्त? हाँ सर दोस्त, दोस्त हैं हम सर, आप यहाँ कभी भी आइए। चलता है। रघु सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। चाह चांगला होता। जिस पॉलिसी प्लान के बारे में तुमने मुझे बताया था उसमें एलोकेशन फी 18% जबकि दूसरी कंपनीज 15% चार्ज कर रही हैं। बिल्कुल नहीं सर, हमारी 18% फी आपको ज़्यादा ज़रूर लग रही होगी, लेकिन हमारी कंपनी में दूसरी कंपनियों की तरह कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हिडन चार्जेस? यस सर। शो मी, कम ऑन शो मी। Got it? सर वो एक्चुअली हिडन चार्जेस हैं,
इतनी आसानी से नहीं मिलते। ओह, रियली? अजय, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें थी, बट यू हैव नॉट ओनली डिसअपॉइंटेड मी, यू हैव वेस्टेड माय प्रेशियस टाइम। सर, आई हैव टू मूव। थैंक यू। प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स वंस। इतना समझ लो कि इंश्योरेंस और अगरबत्ती बेचने में फर्क होता है। सर प्लीज, सर सर, शिट शिट मैन, अरे पूरे दो महीने पीछे पड़ा था इस आदमी के, इनसे 10 मिनट लेने के लिए, और तुमने 3 ही मिनट में इन सब पर पानी फेर दिया। यार अजय, मैं ये तुमसे पहली बार नहीं हुआ है कुणाल। शिट, कम ऑन अजय यार। आई एम सॉरी कुणाल, तुम कोई दूसरा पार्टनर ले लेना। अजय यार, खत्म हो गई यार इतनी जल्दी? ओह, आओ भाई, जल्दी आ गया, देख क्या मस्त सीन चल रहा है। ब्रदर, ऑल इज वेल ना? रोहित, खाना किधर है? खाना खत्म हो गया यार। खाना खत्म हो गया मतलब? अरे वो मेरा दोस्त आया था हनी, उसने मेरा बना हुआ खाना थोड़ा चखा, बाय गॉड उसको इतना पसंद आया कि पूरा का पूरा डिनर ही चट कर गया यार। मेरे लिए कुछ नहीं बचा यार, वो घोड़े की तरह खाना खाता है, मुझे थोड़ा ना पता था कि पूरा चट कर जाएगा साला पेटू। ऐसे कर तू अपने लिए पिज्जा मंगवा ले। हेलो, क्या वो कहीं फोन नहीं? कुछ नहीं, कितने बजे पहुंच रही हो? आज के बाद तुम ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खाओगे। क्यों, क्या हुआ? बिस्किट खा रहा तो 2-4 मेरे लिए भी ले आइयो। खा ले। अरे इतना थोड़ी ना खाएंगे यार। कौन है यार? देखना कर। सर क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, पानी पानी ये ले सर, पानी पानी सर, आराम से सर, ये लीजिए सर। सॉरी 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 सर, बहुत बहुत खून बह रहा है आपका सर। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। क्या चुतिया है क्या? पुलिस नहीं मांगता मेरे को। लेकिन क्यों? मेरे को गोली लगा इधर। ओह शिट, पुलिस देखेगा तो मेरे को ठोक डालेगा उधर। लेकिन पुलिस आपको क्यों मारेगी सर? पुलिस भी शामिल है। तो तुम यहाँ पे आए क्यों? क्या बात कर रहा है यार? अरे चुप, इधर नहीं आता तो किधर जाता मैं? नहीं सर, नहीं, आपने ठीक किया। मैं जाएगा थोड़ी देर बाद। नहीं सर, ऐसा मत कहिए, मैं हूँ ना। पक्का ना? पागल है क्या तू रोहित? तू कहाँ जाएंगे? नहीं जाएगा मैं। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए,
कुणाल, कुणाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुकना यार सर, आओ ना कुणाल। सर मैं साले पागल है क्या? कौन है ये? मैंने तेरे को पहले ही बोला था ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तू सुनता कहाँ है? बोलो, सुन लेंगे यार। लोग लगे हैं, do you know anything about them? रोहित थोड़ी देर में चले जाएंगे ना यार, वो थोड़ी देर रहने दे। और अगर वो नहीं गया फिर क्या होगा? उसके पीछे जो लोग पड़े वो घर तक आ जाएंगे, फिर क्या होगा? लेट मी बी वेरी क्लियर एंड फ्रेंक विद यू, तुझे शौक होगा मरने का दोस्त, मुझे बिल्कुल नहीं है। कम ऑन यार रोहित, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और भूल जा कि वो कौन है दोस्त। जब उसने मेरी जान बचाई थी तो उसने ये नहीं सोचा था कि मैं कौन हूँ यार। ओ प्लीज यार, ये जान बचाने का भाषण वाषण बंद कर, उसको बाहर निकलने को कह, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करता हूँ। रोहित यार, लेकिन उसको बाहर जाने को बोलते हैं या मैं सीधा पुलिस को फोन लगाऊं? आखिरी बार पूछ रहा हूँ कुणाल, जल्दी बोल क्या सोचा। रोहित तू समझ क्यों नहीं रहा यार। हेलो क्या ठीक है? मत मान, वैसे भी बात तुझे समझ में आने वाली नहीं है। रोहित तुम्हें कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है। हेलो डॉक्टर बोस? हाँ एक इमरजेंसी है। वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े? कुछ नहीं रहे, उस साइड पे लफड़ा हो गया। आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ अंकल। आओ उधर लेटा दो आराम से। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? मैंने झूठ कहा था, इनको एक्चुअली गोली लगी है। व्हाट? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देता तो क्या आप यहाँ आने देते मुझे? ये पुलिस केस है, गो टू द पुलिस स्टेशन। क्या सोच रहे हो? कितना? 50,000। 20। बार्गेन कर रहे हो? देखिए 20 मतलब 20, नहीं तो मैं इनको यहीं छोड़ के जाऊंगा। अरे अरे रुको 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 रुको। ओके 20 फाइनल, लेकिन दो शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद तुम दोनों यहां से चले जाओगे, और आगे अगर इसे कुछ होता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अच्छा तो ये वही आदमी है जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था? जी हाँ डॉक्टर। गुड। ये लो गोली, दो दो करके 2 घंटे के बाद लेते रहना, इससे दर्द कम हो जाएगा। अंकल मेरे पास अभी इतना ही है, 200। 200? जोकिंग? जाओ फ्री में किया।
जाओ जाओ, फ्री में किया। सब सब आप आराम से लेके जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। इकड़े लेफ्ट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट। बस बस थैंक यू, थैंक यू। सलाहपुर की वजह से बहुत बहुत तकलीफ हुआ तेरे को। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए प्लीज। चलता है मैं। तू फिक्र नहीं करने का, अब के बाद अपन तेरे को थोबड़ा दिखाएंगे नहीं अपना, ओके? तू मस्त रहना। चलो इट्स ओके। सत्तू, ए सत्तू, दरवाजा का उगड़ा रे सत्तू। सत्तू ए सत्तू किधर काम करता है? सर कार्ड कार्ड है मेरे पास। अरे कार्ड लेके क्या करेगा मैं, हाँ? सिर्फ नाम बोल। ग्रेट ग्रेट लाइफ इंश्योरेंस। हाँ ग्रेट लाइफ इंश्योरेंस। हाँ या नहीं ना? हाँ, नहीं 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 पियाऊं, पियूंगा क्यों मैं? फिर डर क्यों रहा है? मैं कहाँ डरा? ये नहीं पिया ले रहे तो? हाँ ठीक है ठीक है। चल देखिए वो घर चल। गलती किया, तुझे तभी ठोक देना चाहिए था जब तू पाटकर के साथ था।
ये गलती तो तू किया पाख्या। किसने किसने दी थी सुपारी? बोल, किसने दी थी सुपारी? तेरी माँ ने। अबे ठोक साले को, अबे ठोक। ए, ए, संजय उधर जा। ठीक है भाई। संडी तू मेरे पीछे चल। ये मैगजीन ड्राइविंग करते टाइम नहीं पढ़ने का है? हाँ हो सर, नहीं पड़ेगा। चल जा। हाँ जा। रघु सर, सर आप भगा भगा गाड़ी भगा भगा भगा। लेकिन हुआ क्या सर? अरे गाड़ी भगा, मर रहा है क्या? सर वो लोग कौन है और आपके पीछे क्यों पड़े? अरे ये सब छोड़, निकाल गाड़ी, निकाल इधर से। इधर देख।
फिर से खून बह रहा है आपका। एक एक मिनट, आराम से, आराम से, आराम से। दर्द होगा लेकिन खून रुक जाएगा। एक मिनट, एक सेकेंड, इससे खून रुक जाएगा। ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े? मेरा ऑटोग्राफ लेने को? क्या मेरे को मारने के वास्ते? और काय को यार, करते मैं तेरी गाड़ी लेके जाता हूँ। जैसे मेरा काम खत्म होगा मैं ये गाड़ी वापस कर देगा, तेरे को फोन कर देगा मैं। बट सर, गाड़ी किधर छोड़ा है मैंने? सर, आप इस कंडीशन में गाड़ी चला पाएंगे? ओके फाइन। सर आप गाड़ी चला पाएंगे ना? ओके, ऑल द बेस्ट। आपको चोट तो नहीं आई? आइए बाहर आइए, आराम से सर, आराम से यहाँ बैठिए आप। एक मिनट, हाँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा साहब, सिर्फ आधा घंटा। देखता हूं किधर भागता है, ढूंढो उसे। हेलो हेलो इशिता, हाय कुनाल है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जगाया क्या? बोलो कुनाल। इशिता, क्या तुम अभी कांदीवली आ सकती हो प्लीज? क्या इशिता, एक्चुअली मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। कुनाल, तुम्हें चोट आई है? नहीं इशिता, मुझे चोट नहीं आई है। और हाँ सुनो, मेरे जो कपड़े तुम्हारे पास पड़े उनमें से 2-3 टी शर्ट और एक जीन्स जरूर लेके आना। क्या? और हाँ, आते वक्त फर्स्ट एड बॉक्स जरूर लेके आना। कुनाल, तुम पागल हो गए हो। प्लीज इशिता, आर्ग्यू मत करो, मैं तुम्हारा सेंट्रल मॉल के पास इंतजार करूंगा। प्लीज इशु, आई नीड योर हेल्प। बस ए सुन, रुक तो रुक, थोड़ा प्राइवेट है। हाँ?
हेलो। हाँ बोल। काम हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी। तो मेरा पैसा? जब तक काम पूरा नहीं हो जाता पैसा नहीं मिलेगा। क्या बोला? मैं बात को दोहराता नहीं हूँ, बाद में फोन करूँगा। चल। हेलो हेलो। धीरे सर प्लीज, अब तो बताइए ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं? तू भी तो मेरे पीछे पड़ा है, सवाल लेकर छोड़ना यार। देखिए किसी को ऐसे गोली नहीं लगती है। इतने लोग आपकी जान के पीछे पड़े हैं, जरूर आप ही नहीं कुछ किया होगा। सर आप जब तक मुझे सच नहीं बताएंगे मैं आपकी पूरी तरह से मदद नहीं कर पाऊंगा। और सच बोलेगा तो मदद करेगा? हाँ जरूर करूंगा, कम से कम कोशिश तो करूंगा। देखिए मुझे नहीं लगता आपकी साइड पाइट पे कोई झगड़ा हुआ है, ये कुछ अलग बात है, करेक्ट? हाँ साइट ही नहीं है तो झगड़ा किधर होएगा। उसको पहचानता? दादा भोसले, बहुत बड़ा कॉर्पोरेटर है। हाँ तो इसका क्या? अपन को खबर मिली थी कि दादा भोसले आज सिद्धि विनायक जाने वाले। देखो यही एक चांस है दादा को दबाने का, मेरे को इस बार कोई गलती नहीं मांगता है। लेकिन अपन को क्या पता था कि गलती तो पहले ही हो चुकी है। लेके जाओ ना। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा। वो लोग किसी भी हालत में मेरे को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। बाकिया को मेरे सभी अड्डे पता थे। मैं छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था कि अचानक मैंने अपने आप को तुम्हारी बिल्डिंग के सामने पाया। अपुन कोई ठेकेदार नहीं है, अपुन एक गैंगस्टर है जो पैसे के लिए लोगों को मारता है। क्या करेगा तू? सब ठीक हो जाएगा।
किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। मालूम पड़ा किसने किया? रघु पहले पार्ट करके साथ था, फिर दादा ने उसको निकलवा दिया। साला उस मोते नहीं सुपारी दिया होगा मादर चोत। रघु मिला? मिल जाएगा, अब उनका आदमी सारा एरिया जान रहा है। दादा दादा आप फिक्र नहीं करने का, अपुन मरने नहीं देगा आपको। आपके सामने साला उस रघु को पिछवाड़े में चढ़ा घुसेड़ेगा, बाद में उसका भेजा निकालेगा। दादा दादा बहुत काम करना है आपको। अरे सीएम बनाने का है आपको, फिर देखता हूं साला बीच में कौन आता है। सुन रहे ना दादा आप? दादा पकिया पकिया बोल रहा हूं, दादा दादा हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। क्या हुआ कुणाल? वो सब मैं बाद में बताऊंगा। कपड़े लाई हो? हाँ, ये लो। आई एम सॉरी रघु, लेकिन अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। काश काश आपने ये सब नहीं किया होता तो मैं अब तो मैं तेरे पास आता भी नहीं। हाँ लेकिन यू डोंट वरी, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। आई एम सॉरी रघु। चलो। क्या वो आदमी हमारे साथ नहीं आ रहा? नहीं, तुम चलो। मोहिते, उसको पता है कि दादा साहब अगर एमएलई की सीट लड़ेंगे तो उसका करियर खत्म। जब दादा पर हमला हुआ तो तुम दोनों साथ में थे। किसने हमला किया? ए जीतू बोल। मुझे नहीं पता। पता नहीं। पुलिस को ब्रिज पर दो बॉडीज मिली हैं। तुम लोगों का गन का लाइसेंस कहाँ है? सावन साहब, आप क्यों अपना टाइम फालतू में वेस्ट कर रहे हैं? हम देख लेंगे। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये मेरा इलाका है। किसी ने अगर कानून को हाथ में लेने का कोशिश किया ना, तुम सबके लिए ठीक नहीं होगा। I'm warning you, समझ गए? ए, तुम दोगे इतिश थामा, माला रिपोर्ट पाई जाए। ओके सर। सावन साहब, आप कभी गढ़चिरौली गए हो? चार बार, अभी भी जाने को तैयार हूं। Thank you.
वो आदमी कौन था? इशिता एक बात बताओ, मान लो किसी आदमी ने तुम्हारी जान बचाई, तुमने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर एक दिन वो तुम्हारे पास मदद मांगने आता है जबकि उसकी खुद की जान खतरे में है, तो क्या तुम उसकी जान बचाओगी? बिल्कुल बचाऊंगी, कम से कम पूरी कोशिश तो जरूर करूंगी मैं। नहीं इशू, कोशिश तो कोई भी करेगा ना, मैं पूछ रहा हूँ उसकी जान बचाने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो? मतलब वो इंसान तुम्हारा कोई नहीं है, सगा नहीं है, दोस्त नहीं है, बस एक बार उसने कभी तुम्हारी जान बचाई थी और आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम उसका पे बैक कर सको, तो तुम कोशिश करती हो, जी जान से कोशिश करती हो, लेकिन कब तक? तुम ये कब कहोगी कि बस बहुत हो गया, अब तो हद हो चुकी है? लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूंगी? और किसी भी हद तक मतलब, मैं उसे उसकी जान बचाने के लिए शायद कोई गलत काम नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इशू, अगर वो आदमी अच्छा इंसान नहीं है तो भी? कुणाल, जिस आदमी ने मेरी जान बचाई है वो बुरा कैसे हो सकता है? आखिर मैं जिंदा हूँ तो उसी की वजह से ना। क्या वो वही है जिसने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था? इशिता, हाँ? यूटर्न लो। क्या हुआ? यहाँ से यूटर्न लो, फास्ट प्लीज। होने पे लिफ्ट मांग रहा है। डंडा वगैरह कुछ भी नहीं? क्यों कुणाल? देखो इशिता, अभी बिल्कुल मत घबराना। देखो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और अगर कुछ हो जाए तो तुम भाग जाना। हाँ, लेकिन ओके? करना क्या है कुणाल? गोली चढ़ता है साला। कुत्ता क्या है बे? कुत्ता क्या है? इधर ही ठोक डालेगा साले तेरे को। अबे आगे देखना चूजे। ए शाने, आगे देख के चलना, इधर क्या देख रहे ले? निकल, भूत है क्या? इशिता, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? रघु, आर यू ऑलराइट? आराम से। हाँ।
ईशु, इशिता, मैंने तुम्हें कार में रुकने के लिए कहा था ना? कुणाल, लेकिन मैंने देखा ये लोग तुम्हें... तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो... वापस काहे को आया रे? नहीं आना चाहिए था क्या? ये बोली ना तेरे को आने के वास्ते? हाँ? कुणाल, वो लोग कौन थे और इसके पीछे क्यों हैं? अरे वो इशिता, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रघु, हाँ, अब बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ना है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? पता नहीं मतलब पता नहीं बाबा, क्या? हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें शहर के बाहर छोड़ देते हैं। वहाँ से जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मेरे को पैसा लेना है। तो फिर अब कहाँ? अरे मालूम नहीं रे बाबा। इशिता, कुणाल, चुप, एकदम चुप। But इशु, it's burning इशु। कुणाल, आके देखो, वरना फिर से एक्सीडेंट हो जाएगा। ए उठ रे, सफल आला का इकड़े? नहीं साहब। इडियट। अरे शिंदे। यस सर। वो एफआईआर दिखाना। कौन सा एफआईआर सर? कौन सा क्या? वो दादा भोसले पर अटैक हुआ ना उसका? सर पर उसका तो एफआईआर हुआ ही नहीं। क्यों? शिट। कुणाल, हैव यू गॉन मैड? तुमने इस आदमी के लिए मुझे इतनी रात यहाँ बुलाया? इस आदमी के लिए तुमने उन गुंडों से पंगा लिया? इस आदमी के लिए? यार तुम्हें इसे घर ले जाने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन मुझे क्या पता था कि आदमी कौन है? और तुम्हीं ने तो कहा था कि तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, इसलिए तो हम वापस आए यार। कुणाल, कहा था लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। ओके, बाकी सब ठीक है, लेकिन किसी को जान से मार डालना, वो भी पैसों के लिए? इट्स लाइक हेल्पिंग द अंडरवर्ल्ड। इशिता, लेकिन मैं क्या करता है यार? ये बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा है और मैं इसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दूं? इस आदमी को ना बोल दूं जिसने मेरी जान बचाई थी? कुणाल, तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल नहीं हो रहे हो? तुमने जो किया वो सही था, लेकिन इससे तुम भी तो मुसीबत में पड़ सकते हो। रघु का क्या है? वो तो भाग जाएगा। तुम कहाँ जाओगे? हम कहाँ जाएंगे? तो फिर क्या करूं मैं? रघु को उन गुंडों के हवाले कर दूं ताकि वो इसे जान से मार दे? नहीं। तो फिर एक और रास्ता है। नहीं नहीं पाटिल साहब, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फायरिंग अंधेरी ब्रिज पर हुई थी, इसलिए वो एफआईआर गलत है। अरे भाई, हमारे पास सबूत भी है। हमको दो डेड बॉडीज, एक सुमो गाड़ी और बुलेट्स भी मिली हैं। वहीं पर हमें एक दूसरी गाड़ी के टायर के निशान और कुछ कांच के टुकड़े भी मिले हैं जो दादा भोसले की गाड़ी से ज़रूर मैच करेंगे। किसके ऑर्डर पर? देखिए, आप वो एफआईआर मेरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो मैं खुद कमिश्नर साहब से बात करूंगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं गढ़चोली ट्रांसफर से डरता नहीं हूं। सर, क्या है? आप खुद ही बाहर आकर देखेंगे तो? कहाँ मिला ये आपको? अब सर, ये हमको रास्ते में मिला,
कुछ लोग इसके पीछे पड़े थे, हमारी गाड़ी को आते देखा तो भाग गए। ये जख्मी था इसलिए हम इसे यहाँ लेके आ गए। ए, चलो बाहर। ए, बाहर निकल। निकाल रहे उसको, निकाल बाहर। हो सर। चल रहे। ए, नाम क्या रे तुझा? नाम क्या रे तेरा? तू पहचानता इसको? नहीं सर, लेकिन सुबह तक पहचान हो जाएगी। चल रे, पहले तू इसको हॉस्पिटल लेके जा। जा, ए, जा तू साथ में जा। हॉस्पिटल लेके जा इसको। ये तुम्हारे ऊपर चोट कैसे लगी? सर, ये मेरी वजह से हुआ। स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, ये बात का नहीं, आप लोगों का स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। लाइए इनको अंदर, कम ऑन। चलो। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सावन साहब। आप बस उस आदमी का ख्याल रखिएगा। वो उसकी जान को खतरा है। आप इतने परेशान क्यों हैं? आप जानते हैं उसे? नहीं नहीं, वो बस उसे चोट लगी थी ना, इसलिए हम बस। डोंट वरी, अब वो पुलिस की कस्टडी में है। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये मेरा कार्ड है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, जस्ट गिव मी अ कॉल। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शिंदे। हाँ सर। क्या लगता है तुझे? सर कुछ तो गड़बड़ लगता है। इशिता, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कुणाल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कम ऑन यार, मेरी जगह तुम होती तो यही करती ना? नहीं, नहीं करती। ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हो। तो इसमें बुरा ही क्या है यार? कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा की जाए तो बुरी होती है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तो तू है कुणाल द हीरो। पिक्चर के लिए अच्छा टाइटल है ना? क्या रे, अभी फट गई ना? अकेले ही आया तू? वो कहाँ है तेरी आइटम हीरोइन? यहीं रहती है ना पहले माले पे? ए अबे,
लेके आना उसको। हाँ। ए, फड़क मत, इधर ही चाहेगी ये। सब बोल दिया बेचारा, फट्टू है, तेरे जैसा नहीं है। बोल किधर है वो? कौन? अबे भावी के, नाटक नहीं करने का, इतने घंटों से लुका छिपी का खेल खेल रहा हूं मैं। और किधर है वो? रघु, वो पुलिस का स्टडी में। चूतिया बना रहा है मेरे को। सच सच में, मैंने उसको पुलिस के हवाले किया, अब पुलिस ही उसको सजा देगी। रघु को सिर्फ मैं सजा दूंगा, वो भी भावू और दादा के सामने। और तेरी पुलिस, साला गई तेल लेने। बोल किधर है वो? इशु भाई, ए, छोड़ उसको साले। इशिता, क्या क्या बोला तू? देखो उसको छोड़ दो तुम। ए, बांध साले को। देखो देखो बांध। मैं बोल रहा हूँ इशिता। देखो प्लीज उसको छोड़ दो। मिटा साले को। तेरा ये फट्टू मेरे को बोला तूने रघु को क्यों बचाया है? बहुत दम है ना तेरे में, चल बचा ले अपने रघु को। लेकिन सुन, रघु का टिकट तो कट चुका है। और सुन, डिसाइड कर ले कि अपने उस हरामी रघु को बचाएगा या अपनी इस आइटम को। इसके फोन पे कॉल कर देना, तू जिसको बोलेगा उसको ही मारेगा मैं। ए, लेके चलना इसको। सांगतो तुला, रघु सातोस्कर उठा। जय रघु, चलो उठाओ। डॉक्टर साहब, इसको किस हथियार से चोट लगी है? इनको तो गोली लगी है। Are you sure? Yes. लेकिन इनको यहां लाने से पहले ही इनकी गोली निकाल दी गई थी। Excuse me. क्या है? बॉस, पुलिस ने यहाँ पे किसी आदमी को एडमिट किया है। हाँ। रघु करके। किया है। कहाँ पर है? डॉक्टर साहब, पर ये गोली कितने घंटे पहले लगी होगी? यही 4-5 घंटे पहले। 4 से 5 घंटे। जी। थैंक यू डॉक्टर। यू आर मोस्ट वेलकम सर।
थोड़ा आनकी तू ना देना। हाँ। साहब आप? हाँ वो एक्चुअली मैं घर गया तो पता चला मेरे कजिन का एक्सीडेंट हुआ है, उसे भी यहीं एडमिट किया है, और यहाँ आया तो नीचे सावन साहब मिले, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना उस आदमी से भी मिलता चलो। अच्छा अच्छा कैसा है वो? हाँ वो ठीक है। क्या मैं मिल सकता हूँ? हाँ जाइए, बेड नंबर 21 जाइए। रघु आई एम सॉरी, तुम सही बोल रहे थे, पुलिस भी शामिल है। देखो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। नहीं मांगता तेरी मदद अपुन को, नहीं मांगता। सॉरी कहा ना मैंने, मैं डर गया था। अच्छा कैसे 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 बचाएगा मुझे पुलिस? क्या तेरे बाप की है? नहीं इसलिए तो ये लेके आया हूं। अरे ढंग से पकड़, असली है, बचाने आया कि टपकाने आया? वो बाद में देखेंगे, पहले मेरा प्लान सुनो। अरे 2 महीनानंतर पुन्ना महापालिकेचे इलेक्शन, म्हणजे पुन्ना ड्यूटी। एक्सक्यूज मी। हां साहब काय आपको बुला रहा है वो? एक मिनट। हां काय रे बाबा काय झालं? काय शिंदे सर, अभी अभी हमारी खबरी ने बताया कि दादा साहब भोसले पर 3 लोगों ने हमला किया था, उनमें से 2 तो मारे गए लेकिन तीसरे को गोली लगी और वो भाग निकला। कैसे जाएगा, छोड़ेगा नहीं तुम्हें, कैसे जाएगा? अरे जा बाबा जा। रेडी? हाँ। साहब वो आपका आदमी अंदर बेहोश पड़ा है। क्या? Ha ha ha.
एकदम फिल्मों जैसा हो गया ना सब। अभी किधर देखते हैं। हाँ बोल रघु मिला। हाँ कहाँ आना है? ठीक 5 बजे कार डांडा पता है ना? ओके क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? किधर जा रहे अपन? किसको फोन किया तू? हाँ किसी को नहीं बस इसी तक को। ये देखो ए, मेरे को दोबारा काय को बचाया तू? काय को मतलब तुम्हें पता है काय को? येड़ा समझा मेरे को तू? हाँ हाँ तू ही मेरे को पुलिस में देता है, तू ही उधर से मेरे को भगा के लाता है, खेल रहा है मेरे साथ? नहीं नहीं तो किधर जा रहे अपन? बोल किधर जा रहे अपन? रघु बोल किधर जा रहे? ये क्या कर रहे हो? बोल 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 बोलेगा नहीं तो यही ठोक देगा मैं। बोल बोल किधर लेके जा रहा मेरे को? बोल किधर जा रहे अपन? बोल इशिता को पाके रखे टाइम किया है। अच्छा मेरे को बचाने का सब नाटक चल रहा था, मेरे को मरवा के अपनी आइटम को बचाएगा। गाड़ी रोक। नहीं गाड़ी रोक। नहीं रोकूंगा गाड़ी रोक। गाड़ी नहीं रोकूंगा मैं। रोक गाड़ी। गाड़ी नहीं रोकूंगा मैं। रोक गाड़ी। रोक नहीं तो दरवाजा खोल देगा मैं। यहीं पर नहीं रुकेगी। मैंने एक बार बोला था गाड़ी रोक। गाड़ी रोक नहीं तो मेरी वजह से आज मैं फंसा हुआ हूं। किसने की थी? अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो ये सब नहीं हो रहा होता। अगर मैंने तुझे नहीं बचाया होता तो तू आज जिंदा नहीं होता साले। दादा दादा नहीं रहे। सॉरी रघु लेकिन तुम्हारे बिना मैं इशिता को नहीं बचा सकता। हेलो रघु। हाँ बॉस ले गया सिल्वर पिकॉक टेबल नंबर 12। ऑर्डर देना व्हाइट रम विथ ऑरेंज जूस, तेरे को पैसा मिल जाएगा।
समझा? हाँ। और सुन, दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना। हाँ। किसका फोन था? क्या फर्क पड़ता है? किसका फोन था? जिसने सुपारी दी थी। सुपारी दी थी? कौन? अब मेरे को क्या मालूम लाला, मैं पैसा लेके गेम बजाता है। अभी दादा भोसले गया तो पैसा लेने को बुलाया। जगह मैं जा रहा हूं। ऑर्डर प्लीज। एक वाइट रम विद ऑरेंज जूस। ये उसको देना जिसने ये दिया है। दुनिया के गोरख धंधे में आकर फंस गया है तू, अब तो बस तेरा जनाजा किस कोने में छुपता तू। अपना ना कोई पराया, खुद को किसका माने तू। खो गया है इस जंगल में एक अदनासा प्राणी तू। किधर जा रहा है? यहाँ से निकलने का एक रास्ता और है। कितने होंगे ये? 10 10 लाख?
मुझे सैकड़ों लोगों का इंश्योरेंस करना पड़े तो भी 10 लाख नहीं मिलेंगे, और तुम एक आदमी को मारने के 10 लाख? सिस्टम है लला। क्या करोगे इतने पैसों का? तुम कुछ करने के लिए जिंदा रहना मांगता है। रघु, अगर हमारा प्लान कामयाब हुआ ना तो तुम बच सकते हो। काहे को कर रहा है मेरे लिए सब? तो मेरे को बचाने के वास्ते पैसा मिल रहा तेरे को? नहीं। फिर? मैं ये तुम्हारे लिए नहीं, अपने आप के लिए कर रहा हूं, और इशिता के लिए कर रहा हूं। ये वो तेरी आइटम है ना? आइटम? हम दोनों एक साथ थे, हमारी शादी भी होने वाली थी, लेकिन फिर सब कुछ बिगड़ गया। अरे तो फटाक से सॉरी बोल देने का था ना? नहीं बोल पाया, और अब तो जर्मनी जा रही है, वो भी 1.5 साल के लिए। क्या पता वापस आएगी भी या नहीं। अभी अगर तू उसकी जान बचाएगा तो चांस है। कैसे? जब तेरे पास आएगी ना तो उसको फटाक से सॉरी बोल देने का, फिर देखना कैसे चिपक जाएगी तेरे को। अरे क्या पता, क्या पता क्या? रघु हाँ? सच बता, तेरे जैसे आदमी ने मेरी जान क्यों बचाई? अब उनको लगा किसी चिकनी आइटम का एक्सीडेंट हो गया है, देखा तो तू निकला। सलाम साहब। मान गए तेरे को, वाकई में तो हीरो है। चल फेंक गए। पक्या तुम्हें पता है दादा साहब की सुपारी किसने दी थी? मोहिते ने। ऐसा नहीं पाकिया, हर चीज की एक कीमत होती है। ना तू मत बोल, ना मत बोल, अपन इससे बुलवाएगा। ये नहीं बताएगा क्योंकि इसको भी नहीं पता। क्या चाहिए तुझे? तुम रघु को जिंदा छोड़ दोगे। इड़ा दिखता हूं मैं? इसको मैं यही ठोकूंगा साले को। तो तुम लोग ये कभी नहीं जान पाओगे कि दादा साहब का असली कातिल कौन है, और जिंदा मतलब मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा।
किस नदी सुपारी? मेरी गाड़ी की डिक्की में एक आदमी है, उसे यहां लेके आओ। नीचे कर, नीचे कर। ये तेरे को कहां मिला? सिल्वर पीकॉक बार। मांगता मेरे साथ, नहीं तो यही ठोक डालूंगा साला। इस बैग में वही पैसे हैं जो मुझे सिल्वर पीकॉक बार से मिले थे। लास्ट कॉल जिस नंबर से आया था उसे डायल करो, ये उसी आदमी का कॉल है जिसने सुपारी दी थी। तेरे को कितनी बार बोला था इस नंबर पे फोन नहीं करने का करके, लड़की को छोड़ दो। कुछ नहीं होने दूंगा इशू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस इशू, आई प्रॉमिस। रघु पकिया, देखो पकिया, तुमने वादा किया था ना पकिया? तोड़ रहा हूँ, क्या कर लेगा? लेकिन तुमने वादा किया था पकिया। एहसान मान की तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूँ, चल बट यहाँ से। रघु को छोड़ दो, सुनाई नहीं दिया तेरे को? प्लीज रघु को छोड़ दो पकिया। मरने का है, प्लीज मरने का है तेरे को, चल निकल यहाँ से। पकिया देखो प्लीज, जाने दे कुरान, जाने दे। नहीं रघु, रघु नहीं प्लीज, कुणाल अपना साथ शायद यहीं तक था। नहीं रघु, बहुत कोशिश किया तू, जा तू जा, कुणाल चलो, ए जा, चलो कुणाल रहने दो प्लीज, चलो जा। तूने क्या सोचा था कि मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा? क्या सोच रहे हो इशिता? तुम्हें मुझ पे भरोसा है? हाँ, क्यों? तो फिर तुम्हें यहीं रुकना होगा। हेलो सावन साहब, बोल और कौन है भाव के साथ? रखो,
से मार दूंगा साले, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे को। अब तू कह रखो संडी बचा, संडी रघो, रघो 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 बचा ले ये रघु, बचा मेरे को, मर्द का नहीं ये रघु, ये रघु चलो डालो सबको अंदर, चलो सब तरफ चेक किया ना, देखो उधर से चलिए। कुणाल, आई मस्ट थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे याद करना। नहीं सावन साहब, ऐसा प्रॉमिस कभी मत कीजिए। क्यों? एक्सक्यूज मी, हेलो का काय एक मिनट। हाँ थैंक यू, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, अपना हिसाब बराबर। रघु थैंक्स कुणाल को बचाने के लिए। पनास तो अपन इसकी वजह से जिंदा है। अब तू बोल तेरे को क्या मांगता है। हो सके तो ये सब छोड़ देना। चलता है मैं। चलो लेट्स मूव, कम ऑन कम ऑन। अरे हाँ, अभी अभी खबर मिली है कि भाऊ भोसले ने खुदकुशी कर ली है। ओके कुणाल, स्टे इन टच। थैंक यू सर, लुक आफ्टर, इस बार ख्याल रखना। गॉड ब्लेस। एक्चुअली गलती मेरी थी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। कुणाल अब हम जाएंगे कैसे? Thank you.
गुड मॉर्निंग. हेलो मैडम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अब तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक अच्छी सी कहानी बनानी पड़ेगी. तुम ही बना लो ना. मैं क्यों? वो मेरी कल फ्लाइट है ना. ओह, वो दुनिया का सबसे लंबा पुल. वापस कब आओगी? क्यों? मैं इंतजार करूंगा. मैं जानती थी मेरे अलावा तुम्हें और कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती. जाने कब